इस पूरे तात्पर्य में और श्लोक में यह बताया गया है कि प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है, बद्ध जीवात्मा की प्रवृत्ति का वर्णन कि बद्ध जीव क्या करता है। जैसे म्यूजियम हम जाते हैं, हमारे जो म्यूजियम है तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है प्रकृति के तीन गुण, है ना। तो आप देखते अचानक हंसेंगे लोग, और फिर उसके बाद तुरंत रोने की आवाज आएगी जोर से, है ना। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ पे कभी कभी सुरील गीत गाएगा बद्ध जीव प्रवृत्ति, कभी कभी रोएगा खूब जोर जोर से रोएगा, है ना। है ना, खट्टे फल खाएगा, कभी कड़वे फल खाएगा तो, है ना, कभी मीठे फल मिल गया तो फिर। तो उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, है ना। और जब तक उसको सत्संग नहीं प्राप्त होगा, सत्संग की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कैसे भोग कर सके संसार में, है ना। कृष्ण भुलिया जीव भोगवांछा करे, निकट आशीष माया झपटिया धरे। तो बहुत हर कोई भी परिस्थिति में उसको डाल दिया जाए, उसकी टेंडेंसी यही रहती है क्या कि कृष्ण को भूल कर इंजॉय करूं, ये टेंडेंसी है बद्ध जीव का, है ना। इंजॉय करना तो गलत नहीं है, आनंदमय अभ्यास जीव का स्वभाव है, है ना। जीव जो है क्या है, आनंदमय अभ्यास, आनंदमय उसका हैबिट है, अभ्यास बहुत किया है, आनंदमय अभ्यास, काफ़ी आनंद का अभ्यास है, आनंद लेने का, इसलिए उसके नेचर में है आनंद लेना, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी। और भगवान ने हमें बनाया है प्लेजर के लिए ही, है कि नहीं, प्लेजर सीकिंग। बट हम लोग ढूंढ रहे हैं प्लेजर रॉन्ग प्लेस पर, रॉन्ग वे, इन रॉन्ग वे। भगवान ने हमें आनंद में रहने के लिए ही बनाया है, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, है ना। कि भगवान ने सृष्टि बनाई है दुख के लिए नहीं, आनंद के लिए बनाई है, जीवों की सृष्टि आनंद के लिए किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, है ना। तो दुख जो है वो उसका कारण है अविद्या, अविद्या अज्ञानता। और अज्ञानता कैसे जाएगी, अज्ञानता जाएगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसे जाएगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सारी समस्या का हल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शास्त्रों का वितरण। शास्त्र क्या है, ये भागवत, दो प्रकार के भागवत हैं, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। सत्संग का मतलब केवल ये नहीं है कि व्यक्ति व्यक्ति भागवत से ही संग किया जाए, ये पुस्तक भी क्या है, ये महाभागवत है, ये ग्रंथ भी अपने आप में एक व्यक्ति है और शास्त्र। इसलिए शिला सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत में वर्णन करते हैं कि जितने वैदिक शास्त्र हैं ये सारे व्यक्ति हैं, पर्सनिफाइड वेदाज, है ना। आप श्रीमद् भागवत में भी जो अंतिम अध्याय है उसमें क्या है बताया गया है, वैदिक वेदों की श्रुतियाँ जो हैं व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर। तो बृहद भागवतामृत बताते हैं कि जब गोप कुमार जो है वो ब्रह्मलोक जाते हैं सत्यलोक में, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वेदों की जो श्रुतियाँ हैं स्मृतियाँ हैं वो आपस में डिबेट कर रही हैं, सभा बैठी हुई है और डिबेट चल रहा है कि कौन सा मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है,
उनमें भी आपस में कन्फ्यूजन है, तो कोई जो है वो उपनिषद कहता है कि नहीं परम ब्रह्म जो है वो निराकार है ना, कोई कहता है कि नहीं उसका आकार है, ऐसे थोड़े होता है। तो वेद उपनिषद वेद सब बैठे हुए मीटिंग चल रही है उनकी है ना, और जो भक्ति के शास्त्र हैं श्रीमद् भागवत और ये सब वो भी हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये डिबेट, क्या ये सब बकवास चल रहा है, वेद ये सब कान बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं सब है ना, हमें नहीं सुनना ये सब डिबेट। ये व्यक्ति हैं, शास्त्र क्या हैं, व्यक्ति हैं। जब हम इनको किसी को पकड़ाते हैं तो क्या होता है, उससे संग करते हैं, वो व्यक्ति संग करता है कि नहीं, तो हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं वेस्ट होता, किताब पकड़ा दीजिए वो किताब उसको क्या करेगा, हाँ तो आपका माला करने का टाइम मिलेगा पूरा, प्रचार भी फास्ट होगा है ना, क्यों नहीं तो आप बोलो कितने इतने लोग हैं प्रभु जी, अब माला नहीं कर सकता मैं, मेरे टच में इतने लोग हो गए हैं, अब उन्हीं को टाइम देना पड़ता है कि नहीं, और मैं तो 50 लोग हो, अब मेरे पास 2000 लोग हो गए हैं, इसलिए अब मैं रीडिंग हियरिंग चैंटिंग मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम नहीं मिल रहा है अब मेरे को। लेकिन अगर हम उनको शास्त्र से जोड़ दें, किससे, ग्रंथ से जोड़ दें है ना, तो ग्रंथ जो है उसको क्या करेंगे, ये संग देंगे, सत्संग। तो ये बहुत ही उत्तम मार्ग है ना, अज्ञानता दूर करने का समाज से, और इसी के कारण श्रील प्रभुपाद जी जो है वो इतना इस पे जोर दिए पुस्तक वितरण पे है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं ना, कि दो प्रकार का संग है, पुस्तक के साथ संग और ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो ये जो पूरी हमारी सोसाइटी बनाई गई है इसका उद्देश्य बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, अंतिम पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी उद्देश्य बता रहे हैं, इसका उनका उद्देश्य क्या है, करें कि भक्तों के लौ मात्र सत्संग से ही बद्ध जीव इस दुख में भौतिक जगत से उबर सकता है, ज़्यादा नहीं, कितना लौ मात्र संग होगा और भौतिक संग से बाहर हो, ये कैसे, लौ मात्र में किताब बांट देगा, एक सेकेंड मिला किसी से किताब दे दिया, लेक्चर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन अगर एक सेकंड में आप क्या कर सकते, कि जो किताब पकड़ाइए हो गया उबार उधार हो जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन आज के समय में सिचुएशन इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा टफ है, किताब बांटना है लेकिन एक समस्या है कि उसको किताब पकड़ा भी देंगे तो वो पढ़ता नहीं है, उसको फेथ नहीं है शास्त्रों में, आजकल ऐसा प्रोपगंडा चल रहा है कि लोग शास्त्रों में विश्वास ही नहीं है, विश्वास होगा तो भी पढ़ेगा ना, कलयुग है ये, इसलिए लोग है ना पढ़ते ही नहीं है, रख लेकर रख लेंगे पढ़ेंगे नहीं। तो हमने अगर किताब दे भी दिया, कई बार भक्तों का प्रश्न रहता है कि अगर हमने किताब दे भी दिया वो तो पढ़ तो नहीं रहा है प्रभु जी, उसको क्या पढ़ेगा, भक्त लोग नहीं पढ़ते, वो क्या नहीं पढ़ता, तो कोई हम ही नहीं पढ़ पाते तो वो कैसे पढ़ता होगा है ना। तो किताब देने का क्या लाभ है, लेकिन घर में किताब रखने से ना सुकृति अर्जित होती है। अगर हम कोई व्यक्ति अपने घर में अपने पास किताब रखा है तो वो किताब जहाँ पे है ना वो व्यक्ति है, जैसे तुलसी महारानी अगर कहीं किसी स्थान पे आप रख दीजिए तो उनके प्रेजेंस मात्र से है ना उसका उस वो वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है ना। जैसे कोई बल्ब जला दीजिए तो बल्ब हो सकता है उस कोने में रखा हो, कोई देख नहीं रहा है उसको, लेकिन उसकी रोशनी पूरे कमरे में रहती है,
उसी तरह से जो गुडनेस है शास्त्रों में, जो गुडनेस है वो व्यक्ति है शास्त्र, तो वो वहाँ पे अगर उपस्थित रहता है तो उसका प्रभाव बनता है, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। क्या कहते हैं? अज्ञात सुकृति क्रिएट होता है, वही धीरे धीरे जमा होते होते है ना एक दिन फलीभूत होता है। तो कैसे, इसका कई उदाहरण है ना, कि कैसे किताब हमने किसी को दे दिया तो कैसे अज्ञात सुकृति होता है और पूरा परिवार भक्त बन जाता है। मैं एक बार प्रवचन दे रहा था पुस्तकों के ऊपर ही है ना, कि पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी की। तो एक माता जी बता रही थी कि वो कैसे भक्त बनी, तो बता रही थी कि उसका जब विवाह हुआ ससुराल आई तो घर की सफाई कर रही थी है ना, वैशाली की घटना है। तो सफाई करते करते उसने अलमारी खोला साफ करने के लिए है ना, तो अलमारी खोला तो उसमें भगवद गीता मिली है ना, भगवद गीता मिली जो कि 25 साल पहले उसके ससुर ने खरीदा था लेकिन कभी पढ़ा नहीं। तो उसने फिर वो बहू ने पढ़ा उसको, तो बहू पढ़ी तो उस भक्त बन गई, फिर उसने पूरे परिवार को भक्त बनाया। है ना, और मैं रुद्रपुर में हमारे एक बहुत बड़े डोनर हैं जो कि उन्होंने सेंटर दिया वहाँ पे, तो मैं उनके घर पे रह रहा था तो गया था, तो एक दो दिन समय बिताया, तो बता रहे थे कि उनके पिताजी उनकी उनकी माँ मदर बता रही थी कि जब वो दिल्ली में रहते थे करीब 25 साल पहले, 25-30 साल पहले दिल्ली में जब रहते थे तो उनके हस्बैंड जो हैं, मतलब जो डिवोटी हैं उनके फादर, वो लाइफ मेंबर बने थे। तो लाइफ मेंबर बनने में फिर बुक का क्या रिलेशन है उससे, एक सेट बुक जाता है वहाँ पे। तो हम सोच सकते हैं कि अरे वो तो किताब गया क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन देखिए वो व्यक्ति 30 साल के बाद उनका बेटा जो है वो क्या कर रहा है, इसको उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और भक्ति भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे भक्त हैं वो, 16 माला करते हैं। माता जी तो रोज 64 माला करती हैं, हाँ उनकी उम्र 80 साल है, लगभग 80 साल उम्र है और रोज 64 माला का जाप करती हैं। मैं उनसे पूछा एक दिन कितना माला करती हूँ, 5 कर लेती हूँ, 5 कर लेती हूँ, मतलब 5 ही करती हैं आप, मतलब तो बोली मेरा एक माला मतलब 16 माला बोले एक माला मतलब 16 करती हूँ तो मैं एक माला मानती हूँ उसको। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस लॉजिक मटेरियल लॉजिक से वर्क नहीं करता है। अगर मटेरियल लॉजिक भी लगाना चाहिए दैट्स ओके, उसको हम इंगेज कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसेंडेंटल सिस्टम है, ये ट्रांसेंडेंटल सिस्टम जो है वो ट्रांसेंडेंटल वे में एक्ट करता है ना। इसलिए ये पुस्तकें अपने आप में बहुत बड़ा उद्धारक हैं समाज का है ना, और इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक वितरण का जो जिम्मेदारी दिया है उसको हम सबको बहुत सीरियस लेना चाहिए। इसको समझने में ही काफ़ी समय लग जाता है ना, अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो, लेकिन अगर बिना समझे अगर बांटने का प्रयास करें तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हम कर सकते हैं है ना, बहुत लोगों का उद्धार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक गीत लिखे हैं ना, वैष्णव सॉन्ग है ना, कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइलो आमार अशेष माया ते मन मगन होइलो
वैष्णवे ते लेसा मात्र रति न जन्मिलो। वैष्णव के प्रति रति है ना, वैष्णव से रति है? महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम, महान संतों के वैष्णवों के सेवा करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, उसका सीक्रेट यहाँ बताया गया इस श्लोक में। समस्त भागवत श्रीमद् भागवत बार बार एक ही चीज वर्णन करता है, पूरा श्रीमद् भागवत एक ही बात को बार 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 उसी को दोहराता है। क्या? महान भक्तों की सेवा, सुशुषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवणा। हम तीर्थ जाते हैं घूमने, है ना, 5 दिन 10 दिन 20 दिन तीर्थ की यात्रा करना है, बिना इस तत्व को समझे कि तीर्थाणि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, कि जहाँ वहाँ संत होते हैं वही क्या है तीर्थ है। संत अपने हृदय में तीर्थ को कैरी करते हैं, धोते हैं। गंगा जी गंगार परस होइले पाशाते पावन दर्शने पवित्र करो एई तोमार गुण, एई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिने के हो नाई। पतित पावन, गंगा जी में हम स्नान करेंगे, स्पर्श करेंगे गंगा तो पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के बारे में क्या बता रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनको स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है, केवल दर्शन से पवित्र करते हैं, केवल दर्शन से। वैष्णव वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। भागवत पुराण इसका प्रमाण है, श्रीमद् भागवत हमारे बीच में, श्रीमद् भागवत है मध्यस्थ में बैठा हुआ है, श्रीमद् भागवत क्या कह रहा है, चीख चीख कर यही कह रहा है क्या, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, मेरा प्यूरिफिकेशन होता है जब मैं वैष्णव का नाम लेता हूँ, है ना। कहते तर्पण है मोर वैष्णवेर नाम, अरे वैष्णव का नाम लेने से तर्पण हो जाता है, पितरी तर्पण करने जाते हैं लोग, है ना, गया धाम में। लेकिन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि वैष्णव का तर्प नाम लेने से तर्पण हो जाता है, वैष्णव के चरणों की धूली, महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम महत सेवाम। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख कमल से भक्तों को ये संदेश दिया, भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भूक्त उच्छिष्ट तीन महाबल, तीन महाबल है
महाबल, हमारे एक प्रभु भक्त जिनका नाम है महाबल दास, है ना, महाबल, तीन महाबल का वर्णन करते हैं क्या, भक्तों के चरणों की धूली, ये महाबल है, है ना। तो बल की जरूरत है ना, लड़ाई होगी तो अब हार जाएंगे नहीं तो, हैं? तो हमारी लड़ाई किससे, माया से। अब माया से लड़ाई के लिए आपको बल से काम नहीं चलेगा, महाबल चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, देवी सा गुणमयी मम माया दुरतया, तो बल से काम नहीं चलेगा, महाबल। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको बताए हैं महाबल, उसमें सबसे पहला क्या है, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, तीन महाबल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद देखते हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण जल ग्रहण किया, है ना। आप जानते हैं उनका नाम है, काली कालीदास जी। तो उच्च कोटि के उच्च कुल में जन्म लिया उन्होंने, उच्च कुल में जन्म लिए, है ना। और उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद कृष्ण प्रेम उनके हृदय में, उनको अहंकार नहीं था, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में हमेशा, है ना, क्या बोलते, उमड़ता रहता था, उमड़ता, है ना। जैसे जैसे नदी में बाढ़ आती है तो पानी क्या होता है, उमड़ता है, और कई बार तो किनारों को है ना पार कर जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो उसी तरह से उनके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम था कि वो उमड़ता रहता था। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव है विनम्रता। तो उच्च कुल में होने के बाद भी उनको इस बात का अहंकार नहीं था, उच्च कुल का। और नवदीप जब वो जगन्नाथपुरी गए श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो एक अद्भुत घटना घटी। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जाया करते थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और जाने से पहले चरण धोते थे बाहर, है ना। चरण धोते थे तो भक्त लोग पहले से लाइन में रहते थे कि महाप्रभु चरण धोएंगे तो उसका जल जो है वो पीछे से लेके पीते थे। जय श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चरण जल पिया करते थे भक्त लोग, है ना। तो महाप्रभु को लगा कि, हालांकि महाप्रभु अंदर से खुश थे, लेकिन आपन आचार्य प्रभु जीवर सिखाए, कि महाप्रभु सोचे कि मतलब अगर मैं इस तरह से चरण जल दूंगा, मैं भक्त के रूप में अवतार लिया हूँ भगवान, तो लोग मेरे आचरण को क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। बोले देखो महाप्रभु ने भी तो चरण जल दिया था, सबको पिलाते थे अपना चरण जल, कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं था, है ना। तो इसलिए महाप्रभु मना कर दिए, अपने जो पर्सनल जो सेवक थे गोविंद, उनको मना कर दिए कि आज से अगर कोई भी मेरे चरण जल लेगा तो मैं यहाँ इस स्थान को छोड़कर चला जाऊँगा। ये महाप्रभु का रामबाण था क्या, सुधारने का रामबाण क्या, भक्तों को बोलते थे मैं चला जाऊँगा छोड़ के स्थान, जब ये बोल देते थे तो फिर सारे भक्त तो सब भक्तों ने बोला अब नहीं महाप्रभु चले जाएंगे, है ना। तो प्रतिदिन गोविंदा उनके चरण धोते थे, तो सब लोग अब हिम्मत नहीं करते थे चरण जल लेने का। तो
तो एक दिन की ऐसी घटना है, सारे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु गोविंदा ऐसे उन चरण पे जल डाल रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से एक वैष्णव आए और उन्होंने सीधे अपना ऐसे हथेली डाल दिया नीचे और चरण जल गिरने लगा और उठा के पी लिया सबके सामने खुलेआम, कोई डर नहीं। और सारे भक्त देख रहे हैं अब तो डांट पड़ेगी इनको, अब क्या होने वाला है, महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो चुका है, महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, महाप्रभु क्रोधित होंगे, बहुत क्रोधित होंगे। फिर दोबारा लगा दिए, फिर उठा के पी लिए, महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे कोई वीआईपी वैष्णव लगता है, ऐसा कैसे हो गया। फिर तीसरी बार लगाए, महाप्रभु बोले बस अब और नहीं। तो फिर शाम में जब महाप्रभु दर्शन करके अपने निवास पे चले गए गंभीरा में, तो वहां पे सारे वैष्णव बाद में पहुंचे और सबके चेहरे पे एक प्रश्न था। और महाप्रभु जो है चेहरा देखकर समझ गए, है ना, उनके मुखमंडल को देखकर समझ गए कि कुछ प्रश्न दिख रहा है चेहरे पर। कोई किसी ने पूछा नहीं, पर महाप्रभु स्वयं समझ गए कि क्या पूछना चाहते हैं। महाप्रभु ने स्वयं उत्तर देना शुरू कर दिया, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने कालिदास को चरण जल लेने के लिए क्यों अनुमति दी, मैं क्रोधित क्यों नहीं हुआ। आप लोगों का ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप कालिदास के बारे में जानते नहीं हैं, इसकी महिमा को। मैं अपने मुख से श्रीमन महाप्रभु ने कालिदास की महिमा का वर्णन किया सब भक्तों की सभा में। क्या थी महिमा उनकी, महाप्रभु कहते हैं कि ये ऐसे वैष्णव हैं, ये एकमात्र ऐसे वैष्णव हैं नवद्वीप में, जो कि कोई ऐसा वैष्णव नहीं है नवद्वीप में जिसके जूठा नहीं खाया हो, जिसके चरणों की धूल ना ली हो, हैं? ये एक ऐसे वैष्णव है जो मतलब कोई बचा नहीं है, मतलब कहने का थे सब सोच रहे क्या मतलब मेरा भी लिया होगा। बोले आप नवद्वीप गए थे कभी? हाँ गया होगा, तो फिर समझ जाइए आप। ले कब लिया, है ना। बोले बाकी तो महान वैष्णव तो आप लोग हैं, आप लोगों का तो बात छोड़िए, निम्न कुल में जन्म झाड़ू ठाकुर का भी लिया, ये तो अद्भुत है। वो घटना तो मेरे हृदय को ने इतना स्पर्श किया, महाप्रभु उस घटना को सबका लिया होगा तो वो तो महाप्रभु नहीं बताए, है ना, सब उनको सब पता ही है कि कौन किसका ले रहा है, कौन किसका नहीं ले रहा है, कौन किसको दे रहा है, महाप्रभु तो सब देख रहे हैं, तो सबको नहीं बताया। लेकिन एक घटना महाप्रभु ने एक केस स्टडी बताया, है ना, किसका, झाड़ू ठाकुर। बोले झाड़ू ठाकुर भी इन्होंने जूठा खा लिया, जो कि झाड़ू लगाने वाले वैष्णव। तो उनके घर में गौर निताई के विग्रह है और ये जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके गौर निताई बड़े सुंदर हैं, योजना इनकी बनती थी कैसे लेना है जूठा, प्लानिंग बना के करते थे, है ना, ताकि किसी को पता ही ना चले। अगर हमने लिया और पता चल गया तो कोई करने देगा नहीं, तो सक्सेस इसी में है, बेहतर कि किसी को पता ना चले, अगर पता चल गया तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, प्रयास सिद्ध नहीं होगा, केवल एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए, आप और कृष्ण को। कई बार हम लेते सबके सामने लेते हैं, मैं जब 10 साल 12 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम की दो भक्त एक दूसरे का चरण ले धूली ले रहे थे और ऐसा मतलब आपस में भिड़ गए धूली लेने में कि एक का सिर फट गया, फूट गया और एक का पैर टूट गया।
ऐसा भी था। हाँ, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा दोनों को। है ना, पर ये मतलब प्रोसेस गड़ागड़ी ने मत कीजिए, गड़ागड़ी है ना। तो बोले प्रभु जी धूल कैसे, कोई देता ही नहीं है मेरे को, है तो आपको झाड़ू ठाकुर बनना पड़ेगा, झाड़ू उठाना पड़ेगा। ब्रह्मचारी आश्रम में झाड़ू लगाएंगे तो जितना धूल जमा होगा वो क्या है, कहाँ से आता है। या टेंपल हॉल में अगर आप झाड़ू लगाते हैं अगर, तो जो धूल इकट्ठा हो कहाँ, किसका धूल है वो, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद वो किसका धूल है, वो वैष्णव के चरणों की धूल है ना। तो आप जो भक्त, इसलिए कई भक्त होते हैं ना, वो झाड़ू उठा के रेडी रहते हैं झाड़ू लगाने के लिए, है ना। तो कोई समझ नहीं पाता है कि ये क्यों रेडी रहता है हमेशा, तो उसका यही रहता है कि अभी मिलेगा महाबल, मेरे को बहुत ज़रूरत है महाबल का है। तो महाबल कैसे मिलेगा, जब झाड़ू लगाएंगे, है ना। तो झाड़ू ठाकुर जो थे वो उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि बहुत तरीका अपनाया किया, लेकिन उनका वो देते नहीं थे, बहुत विनम्र थे वो भी। बोले प्लानिंग बनाए, बोले मैं जाऊंगा इनके घर, गौर निताई के विग्रह हैं, बोले आपके विग्रह इतने सुंदर हैं, मैं ना इनके लिए आम लेके आया हूँ, वो भोग लगाया कि है ना इनको प्रसन्न किया जाए। भोग लगाया, अच्छा भोग लगाइए तब तक ना मैं एक काम करके आता हूँ, है ना, तब तक आ जाता हूँ जब तक भोग लगेगा। चले गए और पीछे जाके झाड़ी में बैठ गए, और पहले से सारा उनको मतलब सर्वे उर्वे कर लिए थे कि खाने के बाद जूठा कहाँ फेंकते हैं, है ना। तो जाके पीछे छुप गए और फिर इधर जो है वो भोग लगा के बैठे हुए आम लेकर कि कब आएंगे कालिदास, वो कहाँ कालिदास आने वाले अब, है ना। अब झाड़ू ठाकुर का पूरा परिवार सोच रहा है प्रसाद को ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, है तो ये तो सिद्धांत हम सबको अच्छा लगता है कि नहीं, प्रसाद को ज़्यादा तो इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो फिर से पता नहीं अब कुछ काम आ गया होगा उनको, है ना, तो चलो हम लोग पा लेते हैं। तो पाके और गुठली और छिलका आम का, है ना, ले जाकर और बाहर डस्टबिन होता है ना, उसमें फेंक दिए और आगे वापस जैसे ही घर घुसे, पीछे से कालिदास झाड़ी से निकले और लेकर उसको खा रहे हैं, चख रहे हैं उसको, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं प्रेम के, है ना, और शरीर रोमांचित है। तो इस बहुत कठिन है हमको समझना है कि मतलब उसको उसमें क्या है, उसमें तो हम तो हमको अगर ऐसा आम मिल जाए, आम का गुठली और छिलका हमें दे दिया जाए तो क्या करेंगे, कंप्लेन चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफिस में, क्या मतलब आप लोग जो है ये कोई आम है, ये हमने अपना जीवन दिया है, गुठली खिला रहे हैं आप हमें, तो बड़ा कठिन है समझना। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुल्ला कर रहे थे और उन्होंने कुल्ला करके ऐसे किया, अब शिष्य खड़े थे बगल में, फटाक से ऐसे हाथ में लेके पी गए, है ना, लेके ऐसे हाथ पी गए, हमको यार घिन आ रही है। महाप्रभु डांस कर रहे हैं, उनके मुंह से फेन निकल रहा है, हैं, और शुभानंद लेकर पी लिए, हैं। प्रभुपाद जी का दांत जो है, एक भक्त हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, उन प्रभुपाद जी का दांत जो है अब आज भी रखे हैं और उसको लॉकेट बना के गले में लटका के रखते हैं। तो ये बड़े गहरे भाव हैं ये सब,
है ना, प्रेम के दिव्य अवस्थाओं में इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं झाड़ू ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वैष्णव की महिमा, है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, फिर ये श्लोक बोलते हैं, भक्त पद धूली भक्त पद जाला भक्त भुक्त उचिष्ट तीन महाबला है। तो वैष्णवों के महिमा का वर्णन शास्त्र में हजारों हजारों श्लोकों में पूरा श्रीमद् भागवत तो बार बार यही बता रहा है। और भक्तों में का संग, उन्हीं से अज्ञानता हमारी क्या होती है, नष्ट होती है ना। और अज्ञानता नष्ट होती है और अविद्या नष्ट होती है। दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता का कारण क्या है, भक्तों का संग ना करना है, शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो अज्ञानता दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी तो पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो दुख नहीं होगा, संसार समुद्र से उबर जाएंगे। तो जो भी दुख का यहाँ वर्णन किया गया है श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि एक ही एरर है जीवात्मा की प्रवृत्ति में कि वो इतना दुख झेलने के बाद भी कभी भक्तों के संग में नहीं जाता है ना, भक्तों के संग में नहीं बैठता है। इहारे कोरिया जय छाड़न न जाए साधु कृपा बिनायार नहीं को पाए अदोस दरसी प्रभु पतित उद्धार एई बार नरोतम करहो निस्तार। बोलेगी ये जो इंद्रियां हैं हमारी, माया बार बार हमें क्या कर रही है, बहुत सागर में डुबा रही है, और इसको जीतना जीव के लिए संभव नहीं है। कैसे होगा, साधु कृपा बिना आर नहीं को उपाय, साधु की कृपा के बिना इसका इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि मम माया दुरत्या, और मामे वह ये प्रपद्यन्ते माया, जो मेरी शरण में आएगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं, साधु की कृपा के बिना उधार नहीं है, साधु की कृपा चाहिए। और साधु की कृपा कैसे मिलेगी, सत्संग की न नहीं करते, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, सत्संग का फायदा नहीं उठा पाते हैं जीवात्मा, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, अहंकार, अहंकार। विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता रहेगी तो सत्संग कर पाएंगे, सत्संग कर पाएंगे तो अज्ञानता दूर हो जाएगी, अज्ञानता दूर हो जाएगी तो पाप दूर हो जाएंगे, पाप दूर हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा और भगवान के धाम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में हिजगृह चितामृत प्रभु और कई वरिष्ठ डिवोटी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हालांकि कुछ अपने इस श्लोक के ऊपर विचार प्रस्तुत करें।